गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए सृष्टि का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए आगे लिखा है, नाउ लुक एट द लिस्ट एंड से वेदर वन पर्सन अलोन इज रनिंग द फैमिली और ऑल द मेंबर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द रनिंग ऑफ द फैमिली। ठीक है बच्चों, नाउ लुक एट द लिस्ट। देखिए बच्चों यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया है ना, यहाँ पर फैमिली मेम्बर का नाम लिखना है और यहाँ पर जो कार्य है ना उनके द्वारा किया गया कार्य को लिखना था। तो इस तरह है ना, क्या करना है हम लोगों को, जो लिस्ट है ना उस सूची को देखना है और बताना है कि क्या सब लोग मिलकर परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं या कोई एक व्यक्ति। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली योर नेबर्स टू हेल्प यू इन डिफरेंट वे, बार्बर, वॉशरमैन, शॉपकीपर, मिल्कमैन एंड सेवरल अदर हेल्प वन। देखिए बच्चों बताया गया है कि सिमिलरली, इसी तरह आपके पड़ोसी भी अलग अलग तरह से आपके काम आते हैं, बाल काटने वाला, कपड़े धोने वाला, दुकानदार, दूध वाला और ऐसे ही अन्य लोग एक दूसरे के काम आते हैं, है ना, एक दूसरे की सहायता करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन योर स्कूल, आपके स्कूल में द प्रिंसिपल, टीचर एंड अदर एम्प्लॉयज आल कोऑपरेट इन फंक्शन ऑफ द स्कूल। ठीक है, आपके स्कूल में प्रधान अध्यापक, शिक्षक तथा अन्य जो कर्मचारी होते हैं है ना, विद्यालय के जो कार्य होते हैं उनमें सहयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वी परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज इन आवर फैमिलीज, नेबरहुड, स्कूल, विलेज एंड सिटीज, वी डिपेंड ऑन ईच अदर। देखिए बच्चों, वी परफॉर्म यानी कि हम अपने परिवार के अलावा पड़ोस, विद्यालय, गांव तथा शहरों में अनेक तरह के काम करते हैं और इस तरह हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, वी डिपेंड ऑन ईच अदर है ना, और हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। चलिए फिर से समझाते हैं। हम अपने परिवार के अलावा पड़ोस, विद्यालय, गांव तथा शहरों में अनेक तरह के काम करते हैं, इस तरह हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आगे देखते हैं। दिस इज नोन एज इंटरडिपेंडेंस है ना, और इसे इंटरडिपेंडेंस यानी कि परस्पर निर्भरता के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। दैट इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन वन अनदर है ना, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर रहना। ठीक है बच्चों, यही परस्पर निर्भरता यानी कि एक दूसरे पर निर्भर रहना है। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटीज विच वी परफॉर्म्ड इन द फैमिली, स्कूल, नेबरहुड एंड सोसाइटी मेक अप आवर लाइफ एज अ सिटीजन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि परिवार, पड़ोस, विद्यालय तथा समाज आदि में जो गतिविधियां चलती रहती हैं इसे हम लाइफ एज अ सिटीजन यानी कि नागरिक जीवन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है, नागरिक जीवन कहा जाता है। आगे देखते हैं। दिस सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, और यह नागरिक जीवन परस्पर निर्भरता पर आधारित है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यह जो नागरिक जीवन है वह परस्पर निर्भरता पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों लिखा है, थिंक व्हाट विल हैपन इफ, यानी कि सोचिए क्या होगा यदि। ठीक है, फर्स्ट में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, द ओनली डॉक्टर और वैद्य और सॉरी ऑफ योर विलेज गोज आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके गांव का एकमात्र डॉक्टर या वैद्य लंबे समय के लिए बाहर चला जाए। ठीक है बच्चों, तो सोचिए है ना, कोई जो गांव में डॉक्टर रहते हैं और जो वैद्य रहते हैं है ना, यदि वे बाहर चले जाएँ तो क्या होगा। ठीक है, चलिए जरूर लिख के भेजिएगा बच्चों इसका आंसर, कि यदि एकमात्र जो वैद्य और डॉक्टर है ना गांव में, यदि वो लंबे समय के लिए बाहर चला जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, जरूर लिख के भेजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में देखिए बच्चों पूछा गया है कि द फार्मर डज नॉट गेट लेबरर टू रीप द हार्वेस्ट। ठीक है, यानी कि किसान को फसल काटने के लिए मजदूर ना मिले। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किसान को यदि फसल काटने के लिए मजदूर ना मिले तो क्या होगा।
ठीक है, इसका भी आंसर आप जरूर लिखिएगा, है ना। और सभी जानते हैं कि यदि किसान को समय पर फसल काटने के लिए मजदूर नहीं मिले तो फसल क्या हो सकता है बच्चों, नष्ट हो जाएगा, ठीक है, फसल खराब हो जाएगी। थर्ड में क्वेश्चन है, द हेयर ड्रेसर स्टॉप कटिंग हेयर, यदि बाल काटने वाला बाल काटना बंद कर दे तो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि सैलून वाले, है ना, बाल काटना बंद कर दें, ठीक है बच्चों। तो सोचिए सैलून वाले यदि बाल काटना बंद कर देंगे तो क्या होगा। फोर में है, द ब्लैक स्मिथ ऑफ योर विलेज स्टॉप डूइंग हिज वर्क, ठीक है, यानी कि आपके गांव का लोहार काम करना बंद कर दे, ठीक है बच्चों। तो जरूर सोचिएगा और लिखकर बताइएगा। फाइव में है, मैन स्टार्ट्स लिविंग अलोन, यदि व्यक्ति अकेला जीवन यापन शुरू कर दे, ठीक है, यदि व्यक्ति अकेले जीवन यापन करना शुरू कर दे तो क्या होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो फाइव क्वेश्चन दिया है, इस फाइव क्वेश्चन का आंसर आप जरूर भेजिएगा, ठीक है, और यही आप लोगों का होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, है ना। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, थिंग सेंट फ्रॉम शाहपुर विलेज टू बिलासपुर सिटी, ठीक है, यानी कि शाहपुर गांव से बिलासपुर शहर को भेजी जाने वाली चीज़ें, ठीक है बच्चों। तो देखिए गांव से शहर की ओर क्या किया जा रहा है, सामानों को भेजा जा रहा है, ठीक है, बैलगाड़ी के माध्यम से। और यहाँ पर देखिए अलग अलग जो चीज़ें हैं उनका नाम है, धान, गेहूँ, दाल, है ना, कई चीज़ें हैं जो बैलगाड़ी की सहायता से शहर की ओर भेजी जा रही हैं। और जो नीचे का चित्र है उसमें है, थिंग्स सेंड फ्रॉम बिलासपुर सिटी टू शाहपुर विलेज, ठीक है, यानी कि बिलासपुर शहर से शाहपुर गांव को भेजी जाने वाली चीज़ें, ठीक है। और शहर से जो गांव के लिए भेजी जाने वाली चीज़ें हैं वो ट्रकों में, है ना, ट्रकों से आ रही है। तो इस तरह से ये चित्र बताया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन विलेज एंड सिटीज, ठीक है, यानी कि गांव और शहरों में परस्पर निर्भरता। चलिए आगे देखते हैं। अ मैन इज डिपेंडेंट ऑन अदर, सिमिलरली द पीपल ऑफ द विलेज डिपेंड ऑन सिटीज एंड दोज लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन विलेज। देखिए बच्चों, लिखा गया है कि जिस प्रकार हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक उसी प्रकार गांव के लोग शहरों पर निर्भर हैं तथा शहरों में रहने वाले गांव पर निर्भर हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्टडी द पिक, ठीक है, यानी कि जो चित्र दिया गया था, ठीक है, 1.2 और 1.3, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, ठीक है, आप क्या कहा जा रहा है, स्टडी द पिक 1.2 एंड 1.3 टू अंडरस्टैंड हाउ शाहपुर विलेज एंड बिलासपुर सिटी डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी कि चित्र 1.2 और जो 1.3 है ना, उसको देखकर समझें कि शाहपुर गांव व बिलासपुर शहर कैसे परस्पर निर्भर हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ, है ना, यानी कि एक सूची बनाइए, ठीक है, एक सूची बनाना है। देखिए फर्स्ट में लिखा है, द थिंग्स विच आर सेंट फ्रॉम योर विलेज टू सिटी, ठीक है बच्चों, सूची बनाइएगा। और उसमें जो फर्स्ट है वो बोला जा रहा है कि आपके गांव से शहरों में क्या क्या भेजा जाता है, ठीक है। द थिंग्स विच आर सेंट फ्रॉम योर विलेज टू द सिटी, यानी कि आपके गांव से शहरों में क्या क्या भेजा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ज़रूर भेजिएगा लिखकर अपने कॉपी में नोट करके कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, जो शहरों के लिए भेजा जाता है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, द थिंग्स विच आर ब्रॉट फ्रॉम द सिटी टू योर विलेज, यानी कि आपके गांव में शहर से क्या क्या सामान मंगाया जाता है, है ना, क्या क्या सामान खरीदा जाता है, ठीक है बच्चों। तो लिस्ट ज़रूर बनाइएगा, है ना, और उसमें गांव से शहरों को क्या क्या भेजा जाता है और शहर से गांव के लिए क्या क्या मंगाया जाता है उसको जरूर लिख के भेजिएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, समझिए और जो होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करके ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।